चलिए इस वीडियो का पहला सवाल देखते हैं कि जुलाई 2020 में गुजरात स्थित काकरा पारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3 क्रिटिकल हो गया, जिसका तात्पर्य है, तो देखिए क्रिटिकल होने का तात्पर्य यह है कि सामान्य परिचालन स्थिति में आना, यानी कि गुजरात स्थित काकर पारा परमाणु संयंत्र का ऊर्जा घर 3 जो है, यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका तात्पर्य यह है कि इस परमाणु ऊर्जा घर का तीसरा संयंत्र परिचालन स्थिति में आ गया है। और ये कब आया है, तो ये जुलाई 2020 में परिचालन की स्थिति में आया है। आइए काकर पारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र से कुछ और तथ्य को देख लेते हैं। देखिए इसकी सबसे अच्छी विशेषता ये है कि स्वदेश में ही डिजाइन किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि स्वदेश में ही डिजाइन किया गया 700 MWE का KAPP-3 रिएक्टर मेक इन इंडिया का एक गौरवपूर्ण उदाहरण है। इस परमाणु ऊर्जा घर की पहली इकाई KAPS-1 सितंबर 1992 में क्रिटिकल हुई थी, यानी कि सितंबर 1992 से काम करना शुरू कर दी थी, तथा मई 1993 से वाणिज्यिक स्तर पर इसमें विद्युत उत्पादन भी प्रारंभ हो गया था। और अगली न्यूज़ इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड को लेकर के है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जुलाई 2020 में द कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने 4 पत्रकारों को वर्ष 2020 के अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की। यहाँ पर कह रहे हैं कि इस 4 पत्रकारों में भारतीय पत्रकारों में कौन कौन शामिल हैं, तो यहाँ पर जो है दिए गए कोई भी जो है भारतीय पत्रकार शामिल नहीं है, और पूरे तौर पर जो है किसी भी भारतीय पत्रकार को उसमें नहीं शामिल किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी भी भारतीय पत्रकार को उसमें शामिल नहीं किया गया है। जिन पत्रकारों को शामिल किया गया है उनका नाम हालांकि यहाँ जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक मोटे मोटे तौर पर देख सकते हैं कि बांग्लादेश, ईरान, नाइजीरिया से हैं, जिनका नाम है शाहिद उल आलम, मोहम्मद मोसईद, श्वेतलाना प्रोकोपाइवा और दापो ओलोरुनयोमी, जो कि नाइजीरिया से हैं। हालांकि ये नाम नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम अवार्ड जो है वो किस संस्था के द्वारा दिया जाता है। इस सवाल को पढ़ने का मेरा एकमात्र मकसद यही था। यहाँ पर संस्था जान लीजिए, इसका नाम है द कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट। और अगली न्यूज है कि छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज हुई है, उसको लेकर के, तो इस नई प्रजाति का नाम क्या है, जिसका नाम है सिताना धारवाड़नेसिस, जो कि कर्नाटक राज्य के बगलकोट जिले की बंजर भूमि से खोजा गया है, माने कि कर्नाटक राज्य से इसकी खोज की गई है। नाम ध्यान रखिएगा, सिताना धारवाड़नेसिस इसका नाम है। यहाँ पर देख सकते हैं कि NCBS के शोधकर्ताओं ने पैन प्रोटेड लिजार्ड छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की है। और यहाँ पर NCBS का नाम पूरा क्या है, इसका नाम पूरा है नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज, जो कि संस्था बेंगलुरु में स्थित है। 23 जुलाई 2020 को चीन ने मंगल ग्रह के लिए अपने पहले मिशन, जिसका नाम Tianwen-1 है, को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस मिशन के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो आइए विकल्प इसका देखते हैं। देखिए पहला दे रखा है कि इसे दक्षिण चीन के हेनान प्रांत स्थित वेनचांग अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया, तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसे दक्षिण चीन के हेनान प्रांत, यानी कि चीन के दक्षिण हिस्से में हेनान प्रांत है और वहीं पर वेनचांग अंतरिक्ष केंद्र है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया। अगला है कि चीन का सबसे हैवी रॉकेट लॉन्ग मार्च 4 इस अंतरिक्षयान को लेकर रवाना हुआ, तो देखिए ये स्टेटमेंट इसका गलत है, क्योंकि चीन का सबसे हैवी रॉकेट जो है उसका नाम लॉन्ग मार्च 4 नहीं है, उसका नाम है लॉन्ग मार्च 5 Y4, तो Y4 के माध्यम से इसको रवाना किया गया है। अगला है कि 2000 सेकेंड की उड़ान के पश्चात यह रॉकेट पृथ्वी और मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित हो गया, तो तीसरा स्टेटमेंट भी इसका सही है। चौथा है कि यह मिशन का लक्ष्य जो है वो मंगल की सतह पर जलवायु और वर्फ का पता लगाना है, तो चौथा स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसका बी स्टेटमेंट गलत है। और नेक्स्ट है कि 15 से 16 जुलाई 2020 के मध्य भारत ने ओडिशा के बालासोर में स्वदेश विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसका नाम ध्रुवास्त्र है, का सफल परीक्षण किया। यह तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ टैंक रोधी मिसाइल है। इसे रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। यह मिसाइल नाग मिसाइल का एक उन्नत संस्करण है, और देखिए नाग मिसाइल का यही सिद्धांत होता है कि दागो और भूल जाओ, ठीक है। अगला है कि ध्रुवास्त्र लगभग 230 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से लक्ष्य पर निशाना साधती है। मारक क्षमता इसकी 7 किलोमीटर है, और इसका इस्तेमाल भारतीय सेना के ध्रुव हेलीकॉप्टर के साथ किया जाएगा। यह हवा से फायर करके दुश्मन के बंकरों, बख्तरों, वाहनों और मुख्य युद्धक टैंकों को नष्ट करने में सक्षम है, यानी कि हवा से सतह पर मार करने में सक्षम है,
अब आइए इससे जुड़ा हुआ सवाल लिखते हैं कि सवाल क्या है। सवाल है कि 15 से 16 जुलाई 2020 को भारत ने स्वदेश विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसका नाम ध्रुवास्त्र है का कहां पर सफल परीक्षण किया है। तो ये किया है ओडिशा के बालासोर में। और भी इससे जुड़े जो तथ्य हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उसको मैंने बता दिया है। 20 जुलाई 2020 को सार्वजनिक उपक्रम HIL इंडिया लिमिटेड ने मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम हेतु, ध्यान रखिएगा किस रोग के नियंत्रण के लिए, तो मलेरिया की बात हो रही है, मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम हेतु दक्षिण अफ्रीका को कितने मीट्रिक टन DDT 75% WP की आपूर्ति की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 20.6 मीट्रिक टन। इससे जुड़ा हुआ और तथ्य देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि 20 जुलाई 2020 को सार्वजनिक उपक्रम HIL इंडिया लिमिटेड ने मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम हेतु दक्षिण अफ्रीका को, वही बात जो ऊपर पहले बताई गई है, 20.6 मीट्रिक टन DDT 75% WP, देखिए पूरा नाम है DDT 75% WP की आपूर्ति की है। और ये जो संस्था है HIL इंडिया लिमिटेड, इसका गठन 1954 में जो है DDT के निर्माण करने के लिए किया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं कि HIL इंडिया लिमिटेड का गठन 1954 में किया गया, जो विश्व में DDT बनाने वाली एकमात्र कंपनी है। और यहाँ पर देख सकते हैं एक चीज़ और कि मलेरिया से प्रभावित सबसे ज़्यादा संख्या में जो मरने वालों की संख्या थी लगभग 93%, वो अफ्रीकी क्षेत्रों में हुआ था। तो एक प्रकार से हमारे यहाँ भारत सरकार ने मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को DDT की आपूर्ति हेतु इस संस्था का गठन किया था। तो यानी कि मलेरिया नियंत्रण में भारत जो है वैश्विक स्तर पर महान भूमिका निभा रहा है। 25 जून 2020 को विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा की शीर्ष परिषद ने फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी संयुक्त रूप से किसे प्रदान की है। देखिए यहाँ पर सबसे पहला सवाल यही पूछा जा सकता है कि फीफा महिला विश्व कप कब आयोजित किया जाएगा। तो ये आयोजित किया जाएगा 2023 में। और ये कहाँ पर आयोजित होगा, तो पहले उसको जानने से पहले यहाँ पर देखिए सवाल को पहले देख लेते हैं। तो इसकी संयुक्त रूप से मेजबानी जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को प्रदान की गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में वर्ष 2023 में होने वाला टूर्नामेंट ऐसा विश्व कप होगा जिसे दो देश और दो भिन्न फीफा परिसंघ के सदस्य मिलकर आयोजित करेंगे। तो यानी कि 2023 का महिला फीफा कप जो है ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा और दोनों ही संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी भी करेंगे। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस महिला विश्व कप में पहली बार 32 टीमें भाग लेंगी। और अगली न्यूज भी खेल रिलेटेड ही है। देखते हैं कि जुलाई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने महिला एवं पुरुष मुक्केबाजी की विश्व रैंकिंग जारी की। इस रैंकिंग में विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता भारतीय मुक्केबाज अमित पंधाल ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में 1300 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहे। भारतीय महिला मुक्केबाज मंजू रानी 48 किलोग्राम भार वर्ग में महिलाओं की रैंकिंग में 1175 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहीं। और 51 किलोग्राम भार वर्ग में MC मैरी काम तथा 69 किलोग्राम भार वर्ग में लोलिना बोर्गोहिन ने रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल किया। अब आइए इससे जुड़ा हुआ सवाल देखते हैं कि सवाल क्या है। जुलाई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा जारी महिला एवं पुरुष मुक्केबाजी की विश्व रैंकिंग में कौन सा भारतीय मुक्केबाज 52 किलोग्राम भार वर्ग में 1300 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहा। तो अब नाम तो इनका जान ही गए होंगे, अमित पंधाल इनका नाम है। और बाकी जो ये जो दो लोग हैं, तीन लोग हैं, MC मैरी काम जिनको 51 किलोग्राम भार वर्ग में तीसरा स्थान हासिल हुआ है, और वहीं पर जो है एक नाम और था, वो था कि महिला मुक्केबाज जिनका नाम था मंजू रानी 48 किलोग्राम भार वर्ग में, जिन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है, ये नाम भी ध्यान रखना है। जून 2020 में उत्तराखंड के वन विभाग ने कुमायूं के मनुष्यारी क्षेत्र में देश का पहला लाइकेन पार्क विकसित करने का दावा किया है। 1.5 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विस्तारित इस पार्क में लाइकेन की कितनी प्रजातियाँ मौजूद हैं। तो यहाँ पे लाइकेन की 80 से अधिक प्रजातियाँ मौजूद हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर इतनी ज़्यादा जो है वो प्रजातियाँ हैं, तो वहाँ पर जो है इस तरीके का पार्क विकसित करना शायद जो है पर्यावरण की दृष्टि से बेहद खास है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ये स्थापित किया गया है उत्तराखंड राज्य में। यहाँ पर देख सकते हैं कि 1.5 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विस्तारित इस पार्क में लाइकेन की 80 से अधिक प्रजातियाँ हैं। और एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखना है कि क्या लाइकेन की प्रजातियाँ सिर्फ उत्तराखंड में ही पाई जाती हैं। तो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि विशेषज्ञों का मानना है कि लाइकेन की 600 से अधिक प्रजातियाँ उत्तराखंड में मौजूद हैं,
हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में क्रमशः 503 और 386 प्रजातियां मौजूद हैं, यानी कि सबसे अधिक लाइकेन की प्रजातियां वो उत्तराखंड में हैं, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश में है और उसके बाद में जम्मू कश्मीर में आता है। और यहाँ पर उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र के मनुष्यारी क्षेत्र में जो है इस पार्क का विकास किया गया है। और अगली न्यूज़ थाईलैंड को लेकर के है। 8 जुलाई 2020 को थाईलैंड के मंत्रिमंडल ने सिविल पार्टनरशिप एक्ट और सिविल एंड कॉमर्शियल कोड नामक दो विधेयकों के मसौदे को मंजूरी दी। इससे किस विषय को कानूनी मान्यता दी जा सकेगी, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यह जो विधेयक है ये किस विषय से संबंधित है। तो ये संबंधित है समलैंगिकों के प्रेम संबंधों से, यानी कि इस विधेयक के माध्यम से जब इसको कानूनी मान्यता प्रदान की जाएगी तो जो समलैंगिक हैं, समलैंगिकों के प्रेम संबंध को एक प्रकार से वैधता प्रदान की जाएगी, उनको कई प्रकार के राइट्स मिल जाएंगे, जैसे उनको जो है बच्चा गोद लेने का अधिकार उनको प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, इस प्रकार के सवाल को बताने का पीछे जो है सेंस यही है कि परीक्षा में वो इस तरीके से तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कि हाल ही में समलैंगिकों के प्रेम संबंधों को कानूनी तौर पर मान्यता देने वाला देश कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा थाईलैंड। 28 जून 2020 को लाजारस चकवेरा ने किस देश के 6वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो लाजारस चकवेरा, ये देश मलावी है, मलावी के वो 6वें राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मलावी दक्षिण पूर्व अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक देश है। लैंडलॉक का मतलब ये है कि इस देश की सभी सीमाएँ जो है एक दूसरे के जो पड़ोसी देश हैं वो लैंडलॉक हैं, वो भी स्थल रूप से रुद्ध हैं, लॉक हैं। यानी कि कुल मिला के संक्षेप में ये समझ लीजिए कि लैंडलॉक का मतलब ये है कि उस देश की सीमा समुद्र से नहीं मिलती है, ठीक है। जैसे अपने यहाँ जो है क्या कहते हैं कि उधर नेपाल देख लीजिए, नेपाल जो है इधर इंडिया है दक्षिण में और उत्तर में जो है वो चाइना है, तिब्बत है, इस तरीके से उसी को लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। तो जो है एक लैंडलॉक देश है, इसे पूर्व में न्यासा लैंड कहा जाता था और मलावी की राजधानी है लिंगोगवे, लिंगोगवे इसकी राजधानी है। तो देखिए, समीक्षा अधिकारी जैसी परीक्षाओं के लिए इस तरह के सवाल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, पूछा अवश्य जा सकता है, नाम भी मिलान करने के लिए आ सकता है। 29 जून 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वरिष्ठ अधिवक्ता के वेणुगोपाल को कितने वर्ष की अवधि के लिए देश के महान्यायवादी के पद पर पुनर्नियुक्त किया है। यहाँ पर देखिए पुनर्नियुक्त किया है, तो उनको अगले एक वर्ष के लिए देश के महान्यायवादी के पद पर पुनर्नियुक्त किया गया है। देखिए, इस सवाल से एक बात ये भी स्पष्ट होती है कि क्या महान्यायवादी की पुनर्नियुक्ति हो सकती है। तो जी हाँ, इसकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी उनको जुलाई 2017 में 15वें महान्यायवादी के रूप में उनको नियुक्त किया गया था और इस पद पर उन्होंने जो है मुकुल रोहतगी का स्थान उस समय लिया था। और यहाँ पर देख सकते हैं कि महान्यायवादी की संवैधानिक जो स्थिति क्या होती है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वह अपना पद धारण करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि पूछा जा सकता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के किस प्रावधान में है, तो अनुच्छेद 76(1) में है। और नेक्स्ट है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या रही है, तो थीम रही है पुटिंग द ब्रिक्स ऑन COVID-19, हाउ टू सेफ गार्ड टू हेल्थ, हाउ टू सेफ गार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नाउ। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की शासकीय परिषद द्वारा वर्ष 1989 में एक प्रस्ताव पारित करके 11 जुलाई को प्रतिवर्ष इसे मनाने का निर्णय लिया गया। यानी कि अगर ये पूछा जाए कि विश्व जनसंख्या दिवस निम्नलिखित में से किस संस्था की पहल है, तो ये पहल है UNDP की, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की। और इस वीडियो का लास्ट सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्ष 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बाघ सम्मेलन में 29 जुलाई को प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया। भारत सरकार ने बाघ संरक्षण के लिए वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। देखिए, UPPCS का बहुत जो है लोकप्रिय ये सवाल है, State PSC का, UP कमीशन का, तो पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2018 के अनुसार देश में बाघों की संख्या 2967 है। भारत में विश्व के लगभग 70% से अधिक बाघ यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे जो है सवाल हो गए हैं जो कि जुलाई महीने की दृष्टि में गिन है। बाकी के कुछ सवाल और बचे रहे हैं, उसको हम एक और वीडियो बना देंगे, तो वहाँ पर कवर हो जाएगा।